Hello dear students, today we will discuss about interaction energy term for LS coupling. Students, हमने previous video में interaction term के बारे में ही discuss किया था, जो basic concept थे और जो similarity थी LS coupling में और JJ coupling के बीच में उनको discuss किया था. आज मैं सिर्फ LS coupling कर रही हूँ क्योंकि हम similarity दोनों के बीच में कर चुके हैं. वहाँ तक article आप revise कर लेना. उसके बाद जो भी आगे प्रोसीड करना है आज हम उसका डिस्कशन करेंगे. लास्ट लेक्चर में हमने ये फोर टर्म फैक्टर्स हमने फाइंड आउट किए थे और एलएस कपलिंग की कंडीशन भी डिफाइन की थी कि एलएस कपलिंग उसी कंडीशंस में होगी अगर गामा वन गामा टू इंट्रैक्शन एनर्जी टर्म्स गामा थ्री टू गामा फोर से ग्रेटर होंगी तो ही वहां पे आपके पास एलएस कपलिंग होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी. अब हमें इन चारों टर्म्स को प्रोसीड करना है, कैलकुलेशन करनी है और इनको यूज करके किस तरह से हमारे एनर्जी लेवल और फर्दर उसकी जो स्पेक्ट्रल टर्म्स या एनर्जी स्पेक्ट्रा आता है वो किस तरह से डिवाइड होता है फाइन स्ट्रक्चर में, उसको स्टडी करना है. यहाँ पे आपके कुछ कंसेप्ट्स हैं जिनको आपने बहुत अच्छे से समझ लेना है ताकि आप जब इस टॉपिक को करो तो आपको क्रैम करने की जरूरत ना रहे. देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बोल रही हूं कि गामा वन गामा टू शुड बी स्ट्रॉन्ग. क्लियर? आप नॉर्मली भी इस चीज को लेकर देखिए कि जिनके बीच में इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी उनका जो रिजल्टेंट बनेगा उसकी, ये कह सकते हो आप, जो उसका मैग्नीट्यूड आएगा या उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी दैट विल ऑल्सो स्ट्रॉन्ग. क्लियर? तो यहां पे मैं आपको ये कहना चाह रही हूं कि S1 और S2 को जब आप कपल करोगे तो जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो S होगा. ठीक है, कैपिटल S से आप उसको डिनोट करोगे और कपलिंग स्ट्रोंग होने की वजह से हम यहां पर ये कहेंगे कि S1 और S2 कैपिटल S के साथ जो एंगल बनाएंगे दैट विल बी फिक्स्ड एंगल, वो एंगल चेंज नहीं होगा. इसी वजह से जो आपका कैपिटल एस का जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आएगा वो भी फिक्स होगा और आप यहां पे जो एंगल ले रहे हो कोस एस वन एस टू इसकी वैल्यू आप कोसाइन लॉ से फाइंड करके यहां पे पुट भी कर सकते हो. सेम चीज जो मैंने आपके पास कैपिटल एस के लिए बोली वही आप सेम एल कैपिटल एल के लिए अप्लाई करोगे. तो इस तरह सेम वे में अगर हम प्रोसीड करते हैं तो हमें गामा वन और गामा टू की वैल्यू मिल जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ रिजल्टेंट एस एंड देयर कंपोनेंट एस वन एस टू. लेकिन गामा थ्री और गामा फोर जो हैं वो यहां पे एलएस कपलिंग के केस में वीक इंट्रैक्शंस हैं तो इनको हम सेम उसी वे में ट्रीट नहीं कर सकते जैसे हम गामा वन और गामा टू को कर रहे हैं. क्लियर है? तो पहले हम गामा वन और गामा टू का जो भी वैल्यू लेनी है हमें वो लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाती हूं कि गामा थ्री और गामा फोर को हमें कैसे ट्रीट करना है. देखो डियर स्टूडेंट्स, कोसाइन लॉ के अकॉर्डिंग एस डैश स्क्वायर जो है वो आपके पास इक्वल होगा एस वन स्क्वायर एस टू स्क्वायर प्लस टू एस वन एस टू इंटू कोस एस वन एस टू. यहां पे हमने डैश रिप्रेजेंट किया है. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी ये बात बताई थी कि यहां पे डैश रिप्रेजेंट कर रहा है. जैसे सपोज मान लो आपने एस वन लिखा है, एस वन डैश लिखा हुआ आपने, तो ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है रूट एस वन इंटू एस वन प्लस वन. अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्रीवियस वीडियो में देख लेना, बट मैं यहाँ पे जस्ट आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. एस वन डैश जो होगा वो होगा एस वन इंटू एस वन प्लस वन. सिमिलरली आपके पास एस वन एस टू डैश होगा और कैपिटल एस डैश होगा. ये ध्यान रखना आप कि जो टर्म्स मैंने यहां ये दोनों लिखी हैं, ये दोनों आपने स्मॉल लेटर्स में लिखा है क्योंकि ये सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. बट यहां जो मैंने लिखा है एस वो कैपिटल एस में लिखा है क्योंकि ये इन दोनों का रिजल्टेंट है. कोसाइन लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास ये रिजल्ट आया है और यहां पे कोस एस वन एस टू जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल बिटवीन एस वन एंड एस टू. फिर आप उसके बाद इन टर्म्स को रीअरेंज करके कोस एस वन डैश और एस टू डैश की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं. वो हमारे पास वैल्यू ये आ रही है और इसको हम अब गामा वन में पुट करेंगे. इस वैल्यू को हम यहाँ पे गामा वन के प्लेस पे पुट करेंगे तो हमारे पास गामा वन की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ रिजल्टेंट कैपिटल एस आ जाएगी.
वो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या वैल्यू बनती है। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास एक्सप्रेशन ये बन जाएगा। यहाँ पे आप एस वन एस टू को यहाँ से कैंसल आउट कर सकते हैं, तो आपके पास जो गामा वन का एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा ए वन एस डैश स्क्वायर माइनस एस वन स्क्वायर माइनस एस टू स्क्वायर। यहाँ पे डैश हर टर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है, डिवाइड बाय टू। मीन्स आपकी गामा वन की वैल्यू सेम रिजल्टेंट की फॉर्म में आ गई और एस वन एस टू इसमें कहीं पे भी अब एंगल नहीं आ रहा। इस वैल्यू को आप हाईलाइट करके रखिए, जब हम स्पेक्ट्रल टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे तब इसी वैल्यू को मैं आपको यूज करने के लिए कहूंगी, तब आपको ये वैल्यू डायरेक्ट लर्न होनी चाहिए। इस टाइम मैं इस टर्म को इक्वेशन नंबर वन से रिप्रेजेंट कर रही हूं। अब इसी तरह हमारी जो गामा टू वाली इंट्रेक्शन थी वो भी स्ट्रांग थी। फर्क इतना है कि ये एस वन एस टू के बीच की रिलेशन है और वो एल वन एल टू के बीच की रिलेशन है, तो आपने सेम ऐसे ही उसको भी प्रोसीड करना है। बस क्या चीज ध्यान में रखनी है आपने उसमें, कि वहां पे आपने एस वन के प्लेस पे आपका एल वन होगा, एस टू के प्लेस पे आपका एल टू होगा और कैपिटल एस के प्लेस पे आपका कैपिटल एल होगा, और सभी रिलेशंस विदाउट एनी चेंज सेम आएंगी। तो आप उसको पुटिंग खुद कर लेना। इसमें हमने गामा वन में पुट किया था, वो गामा टू में पुट होगा, तो वो मैं आपको करवा नहीं रही हूं, आप उसको खुद कर लेना। और जो आपके पास गामा टू की वैल्यू आएगी वो मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ। गामा टू की वैल्यू आपके पास आएगी ए टू एल डैश स्क्वायर माइनस एल वन स्क्वायर माइनस एल टू स्क्वायर। ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर फ्लो में करवाते करवाते मैं किसी भी टर्म पे डैश नहीं लगा रही हूं तो भी आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि डैश आएगा ही आएगा, क्योंकि यहां पे हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो एल जो है आपका वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। एल डैश यहां पे हम क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो इस चीज को आप ध्यान में रखना। बाय चांस फ्लो में कभी अगर डैश नहीं लगता तो इट इज अंडरस्टूड कि आपने इस कंप्लीट डेरिवेशन में लगाना ही है, साथ में डिवाइड में आ जाएगा टू। ये टर्म भी जब आप स्पेक्ट्रल टर्म्स को एक्सप्लेन करोगे तब यूज होगी, और इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर टू बोल दिया है, आपको ये डायरेक्ट लर्न भी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स अब हम गामा वन और गामा टू को फाइंड आउट कर चुके हैं, अब हमें वैल्यू निकालनी है गामा थ्री एंड गामा फोर की। डियर स्टूडेंट्स इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इसी में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। मैं आपको गामा थ्री बता देती हूँ, गामा फोर सिमिलरली सेम प्रोसीजर से ही होगा। डियर स्टूडेंट यहाँ पे एल वन और एस वन कपल होकर जे वन बना रहे हैं, बट प्रॉब्लम इज दिस कि यहाँ कपलिंग कौन सी हो रही है, एल एस। मीन्स L1 और S1 के बीच में अगर कोई इंट्रेक्शन है भी तो वो बहुत ही वीक होगी, ठीक है ना। तो L1 और S1 को कपल करके आपके पास बनता है J1। क्लियर है, L1 S1 कपल करके क्या बनता है रिजल्टेंट, J1। अब ये इंट्रेक्शन वीक है, तो इंट्रेक्शन वीक है तो इसका आपको मेन चीज जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि L1 और S1 J1 के साथ जो एंगल बनाएंगे दैट विल नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट, वो कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, वो टाइम के साथ वेरी करेगा। तो जो आप यहां पे अपनी गामा थ्री वाली टर्म में लिख रहे हो कोस L1 S1, अब हमें उसकी कॉन्स्टेंट वैल्यू नहीं मिल सकती, तो हमें एवरेज वैल्यू की तरफ जाना है। मीन्स वी कैन नॉट गेट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन L1 एंड S1 ड्यू टू वीक इंटरेक्शन बिटवीन L1 एंड S1। तो हम इसकी एवरेज वैल्यू की तरफ जाएंगे और इसकी एवरेज वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए मैं उसमें क्या अप्रोच लगाती हूँ स्टूडेंट्स। अब जो मैं आपको अप्रोच बताने वाली हूँ वो आपकी बुक में मेंशन नहीं होगी, आपको डायरेक्ट इसकी एवरेज वैल्यू ही वहां पे डिफाइन करनी है, बट आपको लर्न रखने के लिए और वहां का लॉजिक समझने के लिए मैं आपको वो चीज समझा रही हूँ। आप देखो L1 और L2 की कपलिंग से कैपिटल L बनता है, क्लियर। S1 और S2 की कपलिंग से कैपिटल S बनता है। हमें रिलेशन निकालना है L1 और S1 के बीच में। अगर आप LS कपलिंग में देखो देन देयर विल बी अ नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन L1 एंड S1। अब आपको इन दोनों के बीच में तो रिलेशन निकालना है, तो आप ध्यान से देखो
तो L1 का रिलेशन किसके साथ है? कैपिटल L के साथ है. कैपिटल L का रिलेशन किसके साथ है? कैपिटल S के साथ है. कैपिटल S का रिलेशन किसके साथ है? S1 के साथ है. अगर हम इस L1 S1 का एंगल निकालना चाहते हैं तो हम इस रास्ते से घूम के जा सकते हैं. ठीक है. और मैं बार बार बोल रही हूं कि यहां पे डैश आपने लगाना है, वो आप खुद से लगा लेना. अभी मेरा मेन फोकस आपको यही बताना है कि हाउ वी कैन फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ कोस L1 S1. डियर स्टूडेंट, अब मैं इसी कंसेप्ट को यूज करके लिख रही हूं कोस L1 S1. इसके ऊपर मैंने बार लगा दिया है. बार का मतलब ही ये है कि वी आर फाइंडिंग इट्स एवरेज वैल्यू. और इसकी वैल्यू को हमने लिखा है कोस L1 कैपिटल L, कोस L S, कोस S S1. सभी टर्म्स पे आपने डैश लगाना है. मेरे अकॉर्डिंग इससे बेटर आपके पास कोई तरीका नहीं हो सकता इसको लर्न करने का, कि आपने रिलेशन फाइंड करना है L1 और S1 के बीच में और ये चीज आपको लर्न होती है तो आप इस रास्ते से उसकी वैल्यू निकाल सकते हो. मैंने उसी अकॉर्डिंग इन टर्म्स को लिख दिया. क्लियर है. अब मैं ये जो कोस की वैल्यू है इसको गामा थ्री में पुट करूंगी. गामा थ्री में पुट करने से पहले मैं इसमें थोड़े से चेंजेस हैं जो यहीं कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम उसको वहां पे पुट कर देंगे. क्लियर. अब हमें इसमें कुछ चेंजेस करने हैं क्योंकि हमारा मेन पर्पज ये होता है कि इंट्रेक्शन टर्म में एंगल नहीं आना चाहिए, सिर्फ हमारे वेक्टर्स आने चाहिए. क्लियर. तो हमें अब इन तीनों को चेंज करना पड़ेगा. अब ये ध्यान रखना, जब आपको इनको चेंज करना है उस टाइम पे जिसमें सिर्फ रिजल्टेंट आती हो, आपने उस टर्म को कुछ भी नहीं करना. मीन्स इस टर्म के साथ आपने कोई चेंज नहीं करना. ये आपको याद रखने का तरीका बता रही हूं. अब डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों पे हमें फिर से लो लगाना पड़ेगा. ठीक है. अब इसके लिए आपके पास लो जो है वो वही जैसे हमने पीछे, इसकी वैल्यू मैंने यहां पे डायरेक्ट यूज कर दी है बिना आपको फॉर्मूला बताए, क्योंकि ये वैल्यू कहां से आ रही है इसके लिए मैं आपका एक अलग से लेक्चर बना दूंगी. अगर हम यहां इसको डिस्कस करने लगे तो हम अपने मेन आर्टिकल से डेविएट हो जाएंगे. तो यहां पे सिर्फ आपको मैं लर्न करने का तरीका बता रही हूं कि ऐसी सिचुएशन जब कोस के अंदर एक रिजल्टेंट हो और एक आपके पास अदर कंपोनेंट हो, तो उस सिचुएशन में आप एंगल को कैसे लिखोगे. पहले ये चेक करना कि यहां पे ये जो टर्म्स हैं ये रिजल्टेंट आपका. अब ये रिजल्टेंट बना किस किस से है? L1 डैश से और L2 डैश से, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था कैपिटल L1 और L2 से ही तो बनता है. डैश मैंने आपको पहले भी कहा है हर टर्म के साथ लगेगा. क्लियर है. तो जो टर्म मीन्स रिजल्टेंट के अलावा जो टर्म इसके अंदर कंटेंट है, L1 कंटेंट है और मिसिंग कौन सी है? L2. बस ये तीन चीजें आपने ध्यान रखनी है. रिजल्टेंट क्या है, टर्म कौन सी कंटेंट है और टर्म कौन सी मिसिंग है. फिर उसके बाद रिजल्टेंट में, रिजल्टेंट तो एडिशन में आएगा ही आएगा, उसके साथ जो टर्म आपकी कंटेंट है एंगल के अंदर वो एड करके लिखनी है और जो मिसिंग है उसको माइनस करके लिखना है आपने. और डिवाइड में वही टर्म्स लिखनी है जो आपके पास यहां पे प्रेजेंट है. डियर स्टूडेंट, यहां मैं डेरिवेशन आपको इस फॉर्मूला के इसलिए नहीं करवा रही हूं क्योंकि ऑलरेडी आपकी डेरिवेशन लेंथी है और एग्जाम में आपके पास ये टाइम नहीं होगा कि आप इसकी डेरिवेशन भी साथ में करने लग जाएं. तो यहां इट इज बेटर कि आप इसको लर्न रखने का तरीका मीन्स बना ले अपना कोई ना कोई. मेरे अकॉर्डिंग इट इज बेस्ट. आगे आप अपना देख लेना. और ये जो मैं आपको ट्रिक बता रही हूं ये सभी डेरिवेशंस में अप्लाई होगी, कहीं भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही. अब देखो मैंने आपको कहा कि ये टर्म एज इट इज, ठीक है, इसमें आपने कोई भी चेंज नहीं करना. अब यहां देखो, यहां आपका फॉर्मूला फिर अप्लाई हो रहा है. S डैश किससे बनता है? S1 और S2 से, ठीक है. मिसिंग कौन सी टर्म है? S2. और कंटेंट कौन सी है? S1. तो कैसे लिखते हैं? रिजल्टेंट, और जो टर्म कंटेंट है वो एडिशन में आ रही है, जो मिसिंग है वो माइनस में, डिवाइड बाय टू, और जो दोनों टर्म्स कंटेंट है उनको लिख दो. क्लियर है. ऐसे आपने ये टर्म कंप्लीट लिख ली.
किसकी वैल्यू लिखी, कॉस एल वन डैश एस वन डैश की वैल्यू, ये आ गया आपके पास कंप्लीट। ठीक है, अब इस वैल्यू को हमने गामा थ्री के अंदर पुट करना है, तो कोस एल वन डैश एस वन डैश की वैल्यू यहां पे हम पुट कर देंगे जो हमने अभी निकाली है, तो हमारे पास